हेलो, मैं साक्षी तिवारी सबसे पहले आपका स्वागत करती हूँ ग्रेट ऑनलाइन एकेडमी में। हेलो सपने, आपका स्वागत। थैंक यू मैम। और आप कैसे हैं? बढ़िया, आप बताइए। मैं भी बढ़िया हूँ। मैं सबसे पहले आपसे एक अनुरोध करती हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें कि आप अभी क्या कर रहे हैं और क्या है, उसके बारे में मैं अपने इंटरव्यू स्टार्ट करूंगी। जी, मेरा नाम स्वप्निल जैन है। मैं यहाँ पे बेजावर शाखा में मध्यांचल ग्रामीण बैंक में शाखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ कार्य करते हुए मुझे 2 साल हो चुका है। इससे पहले मेरी पोस्टिंग घोवारा छतरपुर में ही थी, वहाँ भी मैंने 2 साल काम किया है। और कुल मिला के मेरा एक्सपीरियंस बैंकिंग इंडस्ट्री में 5 ईयर का हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपने बारे में बताने के लिए। अब आप मुझे बताइए कि आपने ये जो बैंकिंग की जॉब ज्वाइन करी वो किस एज में ज्वाइन करी? वैसे तो मुझे पता है बट ऑफिशियली मैं पूछना चाहती हूँ। मेरी जो ग्रेजुएशन थी इंजीनियरिंग, वो मैंने 2015 में कंप्लीट कर ली थी। और ये 22 साल का था उस टाइम, और मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुकी थी। तो मैं जस्ट उसके बाद 1 साल मुझे प्रिपरेशन में लगा और देन मैंने ज्वाइन किया बैंकिंग। जैसे कि आपने बताया कि आपने इंजीनियरिंग करी है, तो उसके बाद बैंकिंग फील्ड में आना कैसे हुआ? बैंक फील्ड में ऐसा है कि जो मेरी सिस्टर है वो पहले से ही बैंकिंग की प्रोफेशन कर रही थी, तो उनको देखता था मैं हमेशा कि पढ़ाई कर रही है वो उसके लिए, बैंकिंग के लिए। तो उसे थोड़ा एक मोटिवेशन मिला मुझे कि हाँ, मैं कर सकता हूँ उस जॉब के लिए। और चूंकि मेरा शुरू से रुझान जो था वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ था, तो इसलिए मैंने ये चूज की जॉब। तो फिर अभी बताइए, जैसे RRB का 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसके लिए स्टूडेंट्स को कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? उसके लिए तो अपना ये एम बनाइए कि आप पहले प्री निकालिए, उसके लिए प्री के लिए फोकस हो जाइए बढ़िया तरीके से। जैसे प्री के 2 एग्जाम होते हैं, प्री में अपने जो 2 सब्जेक्ट हैं अपने, क्वांटिटेटिव मैथ्स रहती है अपनी और रीजनिंग रहती है। तो फर्स्टली क्या है कि जो कॉम्पिटिशन है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो जो दोनों सब्जेक्ट हैं उसकी ऐसी प्रैक्टिस करना चाहिए अपन को कि जो अपना क्वेश्चन हैं वो तो बहुत सारे रहते हैं, हमें ऐसे टारगेट क्वेश्चन करने पड़ेंगे जो हम एक्यूरेसी के साथ कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। क्वेश्चन करना बहुत आसान है, लेकिन उसको टाइमली मैनेज करना बहुत कठिन रहता है। और रहे बात मेंस की, तो मेंस में ऐसा है कि उसके लिए अपन को 1 महीने का टाइम और मिलेगा, तो हमें अभी से तैयारी करना है मेंस के लिए प्लस प्री के लिए, तभी जाके हम उसको सफिट कर पाएंगे। आप अपने वर्क कल्चर के बारे में बताइए, मतलब वर्क कल्चर जो होता है वो बहुत ही मोटिवेट करता है लोगों के लिए कि कैसा वर्क कल्चर है, बिकॉज आजकल लोग बैंकिंग सेक्टर से भाग रहे हैं कि वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद मैं आपसे पूछना चाहूंगी। देखिए, प्रेशर तो हर इंडस्ट्री में और हर जगह पे है, ऐसा नहीं है कि बैंकिंग में कम है प्रेशर। बैंकिंग में प्रेशर रहता है, लेकिन क्या है कि जब आप बैंकिंग में एज अ मैनेजर वहाँ बैठते हैं तो आपको अलग ही कॉन्फिडेंस आता है और काम करने आपको मजा भी आता है। और चूंकि RRBs में हूँ मैं, यहाँ पे ग्रामीण बैंक में हूँ, तो यहाँ पे क्या है, जो एटमोसफेयर है वो पूरा ग्रामीण इलाकों से संबंधित है। पूरा जो किसान वगैरह हैं वो हमारे यहाँ आते हैं, उनसे डेली बात करते हैं, उनके जो भी काम रहते हैं वो अपने करना पड़ते हैं। तो कुल मिला के ये अच्छा एक्सपीरियंस रहता है गाँव में। तो इस हिसाब से तो देखा जाए कि जो ग्राउंड रियलिटी है अपनी कंट्री की, स्पेशली आप बिल्कुल उसको फील कर पा रहे होंगे वहां रहकर, क्योंकि ये एक्चुअली वो जो इंटरव्यू में लोग बोलते हैं कि आई वांट टू सर्व द पब्लिक एंड गिव माय बैक, तो वो आप ऐसा सीरियसली कर रहे हैं कि आपकी जॉब जो है ग्रामीण जॉब है। मतलब ऐसे बहुत सारे इस जॉब से भागते भी है कि पोस्टिंग जो मिलेगी वो ग्रामीण इलाकों में मिलेगी, तो इसके लिए क्या? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि ग्रामीण में ही आपको पूरी पोस्टिंग मिलेगी, आपको जिला लेवल की ब्रांच भी मिल जाती है, तो आप वहाँ भी काम कर सकते हैं। ग्रामीण का ऐसा है कि मेनली फोकस जो एरिया है वो रहता है अपना किसानों का पार्ट जो रहता है। और इसके अलावा एडवांस में अपन जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ के एडवांस भी करते हैं, जैसे होम लोन है अपना, कार लोन है, गोल्ड लोन है अपना। इसके अलावा बहुत सारे एडवांस के जो सेक्टर्स हैं वो भी अपन फोकस करते हैं। KCC वगैरह मेन प्रोडक्ट में रहता है किसानों का, तो KCC जो है वो मेन फोकस रहता है ग्रामीण बैंक में किसानों के लिए। चलो ये बात मैं आपको समझ गई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, कहाँ काम कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेटजीज क्या रही थी, मतलब आपने तैयारी कहाँ से करी
और आप अपने इंट्रोडक्शन में ये बताना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्योंकि जहाँ मुझे पता है कि जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, स्पेशली मैं भी सेम सिटी से बिलोंग करती हूँ, वो एक बहुत ही छोटा स्मॉल टाउन है, वहाँ से निकल कर तैयारी करना या वहाँ रह के तैयारी करना कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? ये तो है, मैं गौर नगरी सागर से हूँ और यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो अच्छा एटमॉस्फेयर है, पढ़ाई के लिए भी अच्छा है, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड सर्कल था और जो मेरे कंपटीशन के लिए जो मेरे फ्रेंड्स लगे फ्रेंड्स थे, तो उनमें अच्छा एक माहौल था, मतलब एक दूसरे के लिए कंपटीशन था। लाइक अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं, मेरे 50 नंबर उसके 55 नंबर है, तो अगली बार उसको बीट करना है अपन को, 55 से बढ़ा के हमें 60 नंबर चाहिए। इस टाइप से एक कॉम्पिटिशन जो एरिया रहता है अपना, उससे काफी अच्छा स्कोप मिलता है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो अभी बैंकिंग सेक्टर में ही हैं, तो इस प्रकार से फर्स्टली तो मैंने वहाँ पे महिंद्रा ज्वाइन की थी, महिंद्रा कोचिंग है सागर में, तो मैंने वहाँ लगभग 6 महीने का बैच अपना कंप्लीट किया। उसके बाद मुझे एक अनुभव हुआ कि क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, किस किस प्रकार से टफनेस रहती है, और इसके अलावा वहाँ पे एक एसटी चलता है, स्पीड टेस्ट, वो मैं डेली करता था वहाँ पे। मैं था और मेरा फ्रेंड था, दोनों डेली एसटी लगाते थे, कोई बैठे ना बैठे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो मेनली फोकस रहता था कि जो भी जितने भी एग्जाम आ रहे हैं सभी को मैं एग्जाम में पार्ट करूं और उसका रिजल्ट निकाल के उसका एनालिसिस करूं कि मैंने कहाँ गलती करी, किस क्वेश्चन को मैंने कम टाइम दिया है, किस क्वेश्चन को मैं पहले कर सकता था। इस टाइप से मैंने पूरा एनालिसिस करके उसको फिर आगे बढ़ाया। तो जैसा कि आपने बताया कि मॉक एनालिसिस जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एग्जाम में, क्योंकि मैंने भी बहुत मॉक एनालिसिस किया है और एग्जाम्स दिए हैं, तो उसके बारे में बताइए कि ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? जैसे कि आज कोई भी एग्जाम, मुझे लगता नहीं कि मैक्सिमम एग्जाम जो है अपने ऑनलाइन होते हैं, तो ऑनलाइन की अगर पहले से प्रैक्टिस रहे अपने लिए तो ज़्यादा बेनिफिशियल ये है। लाइक अगर आप सडनली उठ के जाते हैं एग्जाम देने के लिए और आप ऑनलाइन बैठ जाते हैं, तो आपको एक मन में एक हेजिटेशन रहता है, आपको डर लगता है कि यार एग्जाम आ रहा है, कैसे करूँगा पास, स्पीड नहीं बढ़ रही है, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो सब जो अपनी सिचुएशंस है उनसे अपन ओवरकम कर सकते हैं अगर डेली टेस्ट टेस्ट लगाएं। लाइक प्री है तो प्री के लिए आप देखते हैं कि एक घंटे के आसपास टाइम मिलता है, 40 मिनट टाइम मिलता है प्री के लिए, तो हम वो डेली अपना 40 मिनट का टाइम निकाल सकते हैं। तो एग्जाम के डेज में हम प्री, मुझे लगता है कि कम से कम अपन को 1 महीने पहले से हर डेली प्री लगाना चाहिए। और मेंस के लिए ऐसा है कि मेंस का एग्जाम आपका 2 घंटे का होता है, तो उसमें आपको थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, तो उसको मैं बोलता हूँ कि या 2 दिन में या 3 दिन में अपन एक एसटी लगा सकते हैं। और एसटी लगाना ही अकेले जरूरी नहीं है, एसटी का एनालिसिस करना जरूरी है कि हमने किस क्वेश्चन को कम समय में करा है, उसको और कम कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपका फ्रेंड सर्किल बहुत अच्छा था, तो मतलब मैं इस बात से मान सकती हूँ कि आपके जो फ्रेंड सर्किल के लोग हैं वो भी आज अच्छी अच्छी पोजीशंस पे हैं? बिल्कुल मैम, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, कोई रेलवे में है, कोई बैंकिंग इंडस्ट्री में है। अच्छा कॉम्पिटिशन था और अच्छा एक एटमॉस्फेयर था। मैं तो पहले ही कहूँगा कि आपकी जो कोचिंग है उसका बहुत सपोर्ट रहता है, साथ में आपके जो फ्रेंड्स रहते हैं उनका भी उतना ही सपोर्ट रहता है। ओके, आप बताइए आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा था, क्योंकि जो आपने एग्जाम निकाला जब कॉलेज के बाद आपने इसकी प्रिपरेशन चालू करी है, तो उसके बाद ऐसा होता है कि आपके ऊपर एक फ्रस्ट्रेशन लेवल आ जाता है, बिकॉज यू आर ग्रेजुएटेड, आपके पास कुछ है नहीं। जब तक आप कॉलेज के अंदर रहते हो तो इट्स लाइक कि एक जो ग्रेजुएशन डिग्री होती है वो ब्लैंकेट का काम करती है आपके लिए, कि वो आपको ढक के रखती है, वो फ्रस्ट्रेशन को कैसे आपने ओवरकम किया? मैम पहला तो रहता है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मेरे लिए जॉब करना है, गवर्नमेंट जॉब ही करना है मुझे, तो एक उसका मन में एक अलग से आत्मविश्वास होना चाहिए हमारे पास कि हाँ मैं कोई भी जॉब कर सकता हूँ लेकिन मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। उसके लिए पूरे मन से काम करो, उसके लिए जितनी भी स्टडी है, लाइक जब मैं ये नहीं बोलता हूँ कि दिन में 24 घंटे हैं तो आप पूरा 12 घंटे पढ़ाई करो, आप 4 घंटे पढ़िए लेकिन फोकस होकर पढ़िए, आप कंसंट्रेट होकर करिए, ये नहीं कि आप मोबाइल चला रहे हैं उसमें, मतलब फोकस होना चाहिए मेन अपना टारगेट रहते हैं, फोकस रहना चाहिए और टाइम ऐसा दो कि इजिली आपका पूरा टाइम शेड्यूल सही हो सके। अभी जो यूथ है एक्चुअली में, जो अभी लोग आ रहे हैं, दे आर फोकस्ड, बट जो आपने एक बात कही बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मोबाइल, बिकॉज मोबाइल और सोशल मीडिया बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन है स्टडीज के बीच में, उसके लिए कोई आपके पास है कुछ बताने के लिए कि आपने क्या किया? देखिए मैं तो ये बोलूंगा कि मोबाइल है, लैपटॉप है, मैं नेट इतना फ्री होता नहीं था। नहीं वो तो है, आज की दुनिया में मोबाइल बहुत इम्पोर्टेंट है और जरूरी भी है। ये नहीं बोलता हूँ कि मोबाइल से दूरी बना लो, एकदम दूर हो जाओ मोबाइल से, आप मोबाइल को भी टाइम दीजिए आप, लेकिन जो अपना टाइम पढ़ाई के लिए है आप उस टाइम को सिर्फ पढ़ाई के लिए यूटिलाइज कीजिए,
मोबाइल का ऐसा यूज है, तो मोबाइल के लिए मैंने बहुत सारा, जैसे कि अपन स्क्रीनशॉट देखते हैं इसका जो होम स्क्रीन रहता है। एक बार तो मुझे क्या हुआ कि मैंने होम स्क्रीन में अपना जो भी टेबल रहती है ना, टेबल लगा दी थी कि यार कभी भी मोबाइल देखूंगा याद करूंगा। इस टाइप से मैंने अच्छी चीजों का भी यूज किया है मोबाइल में, तो ये भी अपने लिए मोटिवेशन रहता है एक। चलिए ठीक है, और मैं आपके लिए बताती हूँ। तो आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? डेली? यूजली मैं 4 से 5 घंटे पढ़ता था, और उसके और अलावा आपकी एसटी कोचिंग क्लासेस अलग होती थी? नहीं, कोचिंग क्लास इंक्लूड है मैडम उसमें। हाँ ओके, तो आपकी 2 घंटे की तो कोचिंग क्लास होती थी, मींस उसके बाद आपने सिर्फ 3 घंटे और 1 घंटे एसटी के लिए दिया एसटी, था। यस मैम। ओके, एसटी से तो मैम कह जर्नल रहता है कि अपना स्टोरीज जो भी हेजिटेशन है वो चला जाता है पूरा अपना। और क्या है, जो हम एग्जाम में जो हम क्वेश्चन एटमॉस्फेयर लेते हैं, पूरा क्वेश्चन का जो एटमॉस्फेयर रहता है हमारा, वैसे ही हमको माहौल मिलता है पूरा। और जितनी प्रैक्टिस अपन करेंगे उतनी ही अपन को कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। जब तक अपन खुद में कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं करेंगे कोई भी एग्जाम नहीं निकलता। ओके, एक और क्वेश्चन है मेरा कि जो एसटी है वो जैसे आजकल तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, उस टाइम पे 2015 में नेट भी इतना सस्ता नहीं था, 1 या 2 GB मुझे मिलता था, मुझे भी अच्छे से पता है। उसके टाइम पे मतलब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जो मॉक है वो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके देना चाहिए या फिर घर में रह के देना चाहिए? मतलब डिस्ट्रक्शन लेवल में पूछना चाह रही हूँ, माहौल कहाँ मिलेगा? माहौल आपको कोचिंग में अच्छा मिलेगा मुझे ऐसा लगता है। और रही बात घर की, तो घर में आप सेपरेट अपन को कर सकते हैं। यदि आप एक कमरे में बंद करके आप एग्जाम दे सकते हैं, कोई डिस्टर्ब ना करे। जैसे मेरी फैमिली में मम्मी पापा, मैं और मेरी दीदी थी, तो इसमें ऐसा था कि मैं मम्मी से पहले ही बोलता था, मम्मी मेरा 2 घंटे का पेपर है। मम्मी कहती थी बिल्कुल जाओ बेटा, आप पढ़ाई करो, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो अपना दरवाजा बंद कर लिया, 2 घंटे आराम से एक्स्ट्रा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। अगर इस टाइप का आपको माहौल मिल सकता है तो आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और रही बात की जो हमारे क्वेश्चंस हमारे गलत हो रहे हैं, उसके लिए मैं अपने कोचिंग में सर लोगों से बात करता था, जो भी क्वेश्चन नहीं बनते थे, फ्रेंड से या सर से मैं कंसल्ट करता था, और कैसे उसको और इजिली वे में शॉर्ट कर सकते हैं वो मैं करता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब आपका एग्जाम हुआ उसके बाद जब आपका रिजल्ट आया तो उसके बाद और ज्वाइनिंग में कितना टाइम मिला? और मुझे जहां तक याद है कि आपने इसके अलावा भी कुछ एग्जाम्स निकाले थे। हाँ, मेरा RRB प्री निकला था, फिर मेंस निकला, इसके अलावा मैंने IPS मेंस भी निकाला था। इस टाइप से मैंने इंटरव्यू क्लाइंट इंटरव्यू जो थे मेरे, मैंने सभी प्रकार के इंटरव्यू दिए हैं। और जो अपना जी मैम बताइए। ओके, तो अब आप बताइए कि जो आपने इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर किया था? इंटरव्यू के लिए जो मेरी कोचिंग थी महिंद्रा, उसके द्वारा अच्छी फैकल्टी दी थी मुझे, तो मैंने वहाँ मॉक इंटरव्यूज दिए थे। लगभग मैंने 4 या 5 मॉक इंटरव्यूज दिए थे। इसके अलावा मेरा जो टाइम था, मैं अपने जो फ्रेंड लोग थे मेरे, मतलब जो कॉम्पिटिशन में थे मेरे साथ, उन लोग का भी इंटरव्यू हुआ करता था। तो मैं काम करता था कि एक कमेडी टाइप बनाता था, उसमें मैं था, मेरे फ्रेंड लोग थे, 3 4 लोग मिलके अपने आप में कंडक्ट कराते थे इंटरव्यू, और एक दूसरे का इंटरव्यू लेते थे। ओके, और आपकी ज्वाइनिंग में कितना टाइम रहा था आफ्टर रिजल्ट, मतलब हाउ मेनी मंथ्स? हाँ, मतलब मेंस का रिजल्ट आया, फिर इंटरव्यू हुआ, देन इंटरव्यू का रिजल्ट अपना आता है जनवरी के आसपास। मुझे लगभग मार्च में ज्वाइनिंग मिल गई थी, मतलब 1.5 मंथ्स ये मुझे अप्रॉक्स। आईबीपीएस के कंपैरिजन में RRB की एक पॉलिसी बहुत अच्छी लगती है कि इनका ज्वाइनिंग और रिजल्ट का टाइम बहुत कम है, बिल्कुल, बिटवीन जो टाइम है, बिकॉज एज कम्पेयर यस टू मैम। IBPS में जो ज्वाइनिंग मिलती है वो 6 to 7 months और इनफैक्ट 3 months, डिपेंड ऑन वेरियस बैंकिंग, बट RRB में ऐसा नहीं है। बिल्कुल मैम, अभी जो लेटेस्ट आपका एडवर्टाइजमेंट निकला है, उसमें जनवरी में वो रिजल्ट कर देंगे डिक्लेयर अपना, और लगभग मार्च के आसपास ज्वाइनिंग मिल जाएगी उसको भी, इवन और पहले भी मिल सकती है जी। फैमिली बैंकिंग आपका मतलब इसमें फैमिली सपोर्ट कैसा रहा? फैमिली में कैसे सपोर्ट? सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट ये है कि आपको किसी बात की टेंशन नहीं रहती, आपको खाना वगैरह हाथ में मिलता है, जो भी काम करना है इजिली करो। जैसे मम्मी का मानना था कि आप तो पढ़ाई के लिए फोकस करो, आराम से पढ़ाई करो, जो भी दिक्कत रहेगी हम देख लेंगे। या जैसे मैंने बताया कि 4 घंटे पढ़ाई के दो, बाकी टाइम फैमिली को दे सकते हैं आप, घर के जो भी काम है, कुछ भी करना है आप परिवार के लिए, तो आप आराम से कर सकते हैं उसमें। ओके, अब थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन रहेगा, मतलब जो आपका वर्क लाइफ बैलेंस है अभी, क्योंकि नाउ आई नो कि दैट यू आर मैरिड, और बैंकिंग यस सेक्टर में ऐसा बोला जाता है कि मतलब वो टाइम नहीं होता है फैमिली के लिए, लोग 10 10 बजे बाद वापस आते हैं, तो उसके बारे में आपको बताओ।
ये तो है। तो देखो क्या है कि दोनों जो लाइफ है, एक तो क्या है हमारा कार्य क्षेत्र है तो हमें वहां तो काम करना ही है। तो कभी क्या होता है, कभी आप घर ऑफिस से काम पहले आते हैं, कभी ऑफिस से लेट आते हैं, तो ये लगा रहता है। तो यूजुअली मैं 6 या 7 बजे के आसपास आता हूँ, तो उसके बाद तो जो टाइम है फैमिली के लिए रहता है मेरा। और फिर ऐसे कभी आपको फील नहीं हुआ कि मतलब आपको अभी जो पोस्टिंग मिली है वो काफी मतलब एक स्मॉल टाउन में मिली है, तो उसके लिए कभी ऐसे फील तो नहीं हुआ कि कहाँ रह रहे हैं, मतलब आई वॉन्ट टू स्विच जॉब? स्विच जॉब का तो मैंने इतना नहीं सोचा, बस ये है कि जो मेरी सिटी है भेजावा वो मॉडरेट है, बोल सकता हूँ कि अच्छी है कुल मिला के, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ आप घूमने जा भी सकते हैं, मतलब वीकेंड पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेनली क्या है, जैसे कि अपन आईटी टेक कंपनी में जाएंगे तो वहाँ क्या रहता है कि आप 5 दिन काम करिए, 2 दिन आपके लिए फ्री रहता है। वैसे मैं सपोज कर लेता हूँ कि यहाँ पे मैं 6 दिन काम कर रहा हूँ, एक दिन संडे का है, तो मैं आसपास एक्सप्लोर करता हूँ यहाँ की चीज़ें जो भी हैं। तो आपको कभी अपने होम टाउन में पोस्टिंग मिलने का वो है क्या, मतलब होम टाउन आपको पोस्टिंग मिल सकती है क्या, हाँ मैम, क्योंकि वो या मेरे फिर रीजन में आता है तो ज्यादा मिल नहीं सकती है। चाहते कि अर्ली एज में जितना स्ट्रगल है उतना कर ले? ये भी बात है कि जितना अपन भी घूम सकते हैं तो घूमे बढ़िया, एक्सप्लोर करें चीजों को, अलग जगह जाएंगे आप तो वहाँ के कल्चर से मुलाकात होगी आपके अच्छे से, तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है भी आप घूमें। बाद में तो क्या है, होम टाउन मिल जाएगा तो आप घर पर आराम से रुक सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको होम टाउन हमेशा मिलेगा, आपको सिर्फ 2 या 3 साल या 5 साल के लिए ही मिलेगा, उसके बाद आपको फिर से वहां से कहीं ना कहीं आपको शिफ्ट करना ही पड़ेगा। तो मन में कभी भी होम टाउन को लेके आप इतना अडिग मत होइए उस चीज को। अब जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा और पर्सनल क्वेश्चन है, आप मतलब जो बैंकिंग सेक्टर है स्पेशली आरआरबी, इसमें पर्क्स क्या क्या मिलते हैं, मतलब बैंकिंग सेक्टर बैंकिंग वाले आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे और आपकी सैलरी क्या है, नेट सैलरी बैंकिंग में मैम आपको अप्रोक्स क्या बता है दीजिए? कि जी बेसिक रहेगा आपका, 36,000 से स्टार्ट हो रहा है अभी 11/30 के हिसाब से, तो इस टाइम मेरा 42,000 बेसिक है, तो इस प्रकार से मेरी सैलरी लगभग 60 के आसपास है। इसमें आपको इंक्लूड रहता है डीए रहता है आपका, एचआरए रहता है आपका, इसमें ऑफिशिएटिंग अलाउंस भी इसमें इंक्लूड रहता है मेरा। इस प्रकार से आपका लगभग 60 के आसपास सैलरी बनती है। रिडक्शन मिले आपके लिए, एनपीएस रिडक्शन होता है इसमें, तो काट पिट के अपन को और कम मिलता है, एनपीएस वगैरह कटता है। तो इसके अलावा जो न्यूली ज्वाइन रहेगा उसको अप्रोक्स 45 समथिंग सैलरी मिलेगी। फिर आप ऐसे बताइए मेडिकल फैसिलिटीज क्या है, मतलब जो मेडिकल लीव्स होती हैं या उनका जो पेमेंट होगा, मतलब बैंक कितना देता है मेडिकल के लिए आपको? मेडिकल ये स्किल पर डिपेंड करता है, जैसे कि मैं स्किल 1 ऑफिसर हूँ तो मुझे 10,300 रुपये ईयरली मिलता है। इसके अलावा जो हमारा मेडिकल क्लेम रहता है, अदरवाइज सपोज कुछ होता है अपन को, तो उसके लिए भी बैंक अपन पर से प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस, उसके तहत आपको जो आपका जो मेडिकल कॉस्ट है वो आपका फ्री हो जाता है जी। इसके जैसे अलावा कि टीएडीए वगैरह मिलता है, अपन कहीं घूमने आते हैं तो उसके लिए टीएडीए मिलता है, एलटीसी मिलता है, मेडिकल अलाउंसेस रहते हैं, न्यूज़पेपर अलाउंस रहते हैं, इस टाइप से भी मतलब आपको पर्स के मामले में आपको बैंकिंग सेक्टर से अच्छा कोई नहीं रहेगा। और जैसे कि आपका जो स्पॉन्सर बैंक है मध्यांचल ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर बैंक है, क्योंकि एस बी इस आई बैंक के बारे में अपन इतना अच्छा इसलिए जानते हैं, अपने होम टाउन में इसका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर बिल्कुल आपका है, सागर ही है, तो उसके बारे में आप बताइए कि SBI में और इसके पर्क्स में डिफरेंस क्या है, SBI पर्क्स और जो मुझे ऐसे लगता है कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है इनमें, थोड़ा बहुत नहीं काफी है। SBI और मध्यांचल मेन डिफरेंस आता है 2 इंक्रीमेंट का। स्टार्टिंग ज्वाइंट जो रहती है, सेम मैंने बताया 36,000 से आपका आरआरबी स्टार्ट होता है, वहाँ आपको 2 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिलते हैं SBI में आप ज्वाइन करेंगे तो। मेन डिफरेंस तो वहाँ से स्टार्ट होता है। देन हमने देखा है कि जो प्रमोशन पॉलिसीज हैं वो SBI में ज़्यादा अच्छी हैं एज़ कम्पेयर टू आरआरबी जी। और मेनली डिफरेंस एक अपन और बोल सकते हैं पेट्रोल अलाउंस। पेट्रोल अलाउंस क्या है, SBI प्रोवाइड करता है और ग्रामीण बैंक में आपको पेट्रोल अलाउंस नहीं मिलता है ये मेन डिफरेंस है। चलिए, ये बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब आप मुझे बताइए, कुछ मोटिवेट करिए जो आने वाले लोग हैं, क्योंकि अभी भी बहुत अच्छा टाइम कि आपने जिनने बिल्कुल। तैयारी चालू करी है, 2-3 महीने का टाइम है, ये अगस्त में पेपर होता है, तो उसमें क्या क्या लोग कैसे कर सकते हैं प्रिपेयर? देखो एग्जाम तो क्या है, अभी भी आएगा, अगले साल भी आएगा, उसके अगले साल भी आना है, लेकिन ये आपको डिसाइड करना है कि आपको इस एग्जाम में जॉब पाना है या अगले में पाना है।
तो मेरा तो मतलब ये रहा कि एक ही सीट चाहिए आपको, उसके लिए पूरा फोकस होकर पढ़ाई करिए, जितनी भी पढ़ाई आप आज करोगे उसका बेनिफिट आपको पूरी जिंदगी भर मिलने वाला है। तो बेटर है कि आप फोकस माइंड होके सभी चीजों को आप छोड़ के पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ज्यादा टाइम नहीं रह गया अभी, जैसे कि एग्जाम की एडवर्टाइजमेंट आ चुका है, मार्च तक आपको जॉब मिल जाए ऐसा आप प्रयास करिए। बिल्कुल चलिए, धन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच कि आपने अपना टाइम निकाला, बहुत मुश्किल से बिल्कुल टाइम निकाला, मुश्किल से तो नहीं लेकिन मैं भी समझती हूँ कि वो इतना टाइम देना टफ होता है, दैट इज ऑल्सो इन वर्किंग डे, लेकिन तब भी आपने दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। वेलकम।